मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं सूजी के दही भल्ले। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं जो आपने भल्ले बनाने, उसके लिए आपको चाहिए पानी, उसके बाद यानी कि वाटर हो गया सादा नलके का पानी आपको चाहिए, दही जाएगी बीच में, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ जो सादी दही होती है, उसके बाद बीच में जाएगा एस्फेटिडा यानी कि हींग जाएगी, नमक जाएगा बीच में, दैट सॉल्ट, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा और जाएगी बीच में सूजी। ये होगी चीज़ें दही के जो बल्ले होते हैं उसके लिए। उसको सर्व करने के लिए जो है आप डालेंगे दही, फिटी हुई दही होनी चाहिए, मीठी चटनी इमली की, ये मैंने आपको सिखाई हुई है, लिंक आपको दोबारा वीडियो में दे दिया जाएगा, इमली की डाल लें, खजूर की, काफ़ी डिफरेंट वराइटीज़ हैं लेकिन आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, भुना कुटा जीरा दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, चाट मसाला जाएगा बीच में, ये मेरा होममेड है, पिसी हुई लाल मिर्च दैट्स रेड चिली पाउडर, और बीच में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। एक बोल ले लें, उसमें आप ऐड करेंगे सूजी, एस्फेटिडा, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बीच में जाएगा पानी, और साथ ही बीच में जाएगी दही। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसे कवर कर कर आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मिक्स करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर देख लें, इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। उसे होता ये कि सूजी जो है फूल जाती है, ठीक है, बारीक बारीक मत खरीदिएगा, ज़रा जो होती है ना कोर्सली दर्दी सी पिसी हुई वो लिया करें, उससे ये होगा कि इसका जो जायका बिल्कुल वड़ों की तरह बनता है, भल्लों की तरह। तो ये देखें, ये फूल गई थी, अब इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरह आपने जो है यहाँ पर मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने इसमें और ये फूल सा गया क्योंकि बेकिंग सोडा बीच में डाला है, तेल मैंने कर दिया गर्म होने के लिए। आपको दिखाते हैं कि आपने इसके जो है भल्ले किस्सा बनाने, तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद इसमें आप जो है इसे ऐड करते जाएंगे और इसे ऐड करने के बाद आप फ्लेम को कर देंगे मीडियम पर और आप इसको फ्राई होने देंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन होकर के बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर देख लें, परफेक्टली ये यहाँ पर फ्राई अप हो रहे हैं और आपने इनको इतना फ्राई करना है कि इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाता है और फिर से आप निकाल करके एक प्लेट पर इकट्ठा कर लें। तमाम बैच को इस तरीके से बना लेते हैं और फिर जो है आपको दिखाएंगे कि आप इसको सर्व किस तरह करेंगे और बाकी का स्टेप आपने क्या करना है। तो ये देख लें, परफेक्टली यहाँ पे माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत बने, एकदम गोल हैं। अब आप क्या करेंगे, बड़े छोटे आप कितनी चॉइस, मैंने ज़रा छोटे साइज़ के बनाए हैं। आपको चाहिए यहाँ पर ज़्यादा गर्म पानी नहीं होगा लेकिन वार्म वाटर चाहिए आपको और आप तमाम जो भल्ले हैं उसमें आप डाल दीजिएगा और इसे डाल करके 1 से 2 मिनट दे दें और फिर इसे हम निकाल करके डिश आउट करते हैं। तो ये देख लें, 1 से 2 मिनट के बाद इसका भी एक फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी बीच में अगर आप देखें तो पानी के ऊपर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, सिंपली हमें नहीं पानी से निकालते हैं और हाथ के साथ आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस इतना कि आप इसमें से पानी रिमूव कर लें। ये देखें, परफेक्ट, ठीक है जी। और जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें तमाम को निकाल करके रख दें और फिर जो है हम इसकी डिशिंग कर लेते हैं। अब आप इस पर डालेंगे दही को फेंट कर, पहले दही डाल लेते हैं इसके ऊपर, इसके बाद आप इस पर डालेंगे इमली की चटनी, इमली की चटनी के बाद आप इस पर डालेंगे जो कि है चाट मसाला, चाट मसाले के बाद आप डालेंगे भुना और कुटा जीरा और पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये रही हमारे
सूजी के दही भल्ले ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। कहीं जाने के आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे उनको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि ये दही भल्ले आपने सूजी के बनाए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और वीडियो जब आपको पसंद आती है, कोई रेसिपी पसंद आती है, तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।